नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा बीते कई महीनों से जारी है। भारत सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि हिंसा को किसी भी प्रकार रोका जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस बीच बुधवार को मणिपुर में दो कुकी महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाने की घटना का वीडियो और उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ये वीडियो सामने आया था और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तमाम विपक्षी नेता और उनके समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बोलने की मांग की है। वहीं अब सरकार कह रही है कि ट्विटर को उस घटना के वीडियो और उसके स्क्रीनशॉट को रोकने चाहिए थे। सूत्र के मुताबिक सरकार इस मामले में ट्विटर पर वीडियो और उसके स्क्रीनशॉट वायरल करने वालों पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि वीडियो वायरल करने पर मणिपुर के कुछ हिस्सों में फिर से तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि मणिपुर में ये घटना 4 मई को हुई थी, जिसमें दो कुकी महिलाओं को निवस्त्र कर परेड कराया गया था। ये घटना बेहद ही शर्मनाक है और इसके दोषियों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि जब मणिपुर में धीरे धीरे शांति हो रही थी तो उस वीडियो को वायरल कर कौन फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था, और कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मणिपुर में फिर से शांति हो। खैर, खबर यह भी है कि इस घटना के मुख्य आरोपी खुएरुम हेरा दास को थाउबल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी यह भी है कि मणिपुर में कुकी महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के मामले में सरकार ने ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश दिए हैं कि इस वीडियो को वायरल होने से रोका जाए। हालांकि इससे पहले ही इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। आज से संसद का मानसून सत्र की शुरुआत थी। विपक्षी दलों के तमाम सांसदों ने नोटिस देकर इस मामले में संसद में चर्चा कराने और पीएम मोदी के बयान की मांग की थी। लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो भी हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है, और इस घटना से उनका दिल पीड़ा और क्रोध से भर गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि सरकार मणिपुर के मामले में संसद में चर्चा जरूर करवाएगी। मतलब देखा जाए तो सरकार मणिपुर के ऊपर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन आज हम सभी ने देखा कि मानसून सत्र की शुरुआत में ही राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा को स्थगित करना पड़ा। अब सवाल ये है कि जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष हंगामा कर चर्चा क्यों नहीं होना दे रहा है? इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।